हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेकिया फिडे। मेरे सेल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो कोई भी डिफेंस की या जॉब की रिलेटेड वीडियो नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आया है, आप लोग देख सकते हो। तो इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है या इसको किस तरह से असेंबल करता है। दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट का कोई भी दोस्तों स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसको मैंने बाय किया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। इसके अंदर है बोया का B1 माइक है, जो मैं अभी आप बाद में ये यूज़ करने वाला हूँ। अभी से मैं आज की बात से मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर एक माइक है जो अच्छा क्वालिटी का माइक है दोस्तों। मैं इसको आप लोगों के सामने ही खोलूँगा, क्योंकि उसको खोलने का दो मकसद है। एक तो आप लोगों को भी दिखा सकूँगा इसके अंदर क्या क्या है या क्या क्या मिलता है। अगर फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई भी ऐसा गलत चीज़ निकल जाए तो इसके वीडियो की मदद से मैं उसको प्रूफ भी कर सकूँगा कि इसके अंदर क्या आया है, तो उसको मैं दिखा भी सकता हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को इसकी खोल के दिखाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, मैं जो यूज़ करता था दोस्तों, ये देखिए जो हेडफोन है, हेडफोन से मैं वीडियो शूट करता था। इसमें भी अच्छा ही क्वालिटी का वॉइस आता है, लेकिन ये थोड़ा ख़राब हो गया है। ये देख सकते हो, अच्छा ही क्वालिटी का है जो हेडफोन है, ये नोकिया का था। ये इससे भी वॉइस अच्छा आता है, लेकिन अभी इससे आवाज़ नहीं आता है जो मैं बनाता था। अगर आपने पहले का वीडियो देखा है तो पता चलेगा। तो अभी ये भी एक हेडफोन ही है, दोनों साइड को काट कर जो माइक्रोफोन है उसको निकाल के दोस्तों स्पॉन्ज से, इधर एक स्पॉन्ज लगाया है, इसको स्पॉन्ज के साइड में इसमें ब्लैक टिप लगाया है दोस्तों। इसमें भी आता साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छा ही आता है। अगर आप लोग भी सुनी रहे हो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, लेकिन इसके ऐसा एक प्रॉब्लम ये है कि इसको हम लगा नहीं सकते इधर में, ऐसा प्रॉब्लम है। इसी की वजह से मैंने सोचा एक माइक ऑर्डर कर ही दूँ। तो मैं अभी आप लोगों के सामने लाइव वो अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। वो अगर आप लोगों को लाइव में ये बाय करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, उससे पहले मैं अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है। ये है ब्लेड, देख सकते इसके सारे हम खोलेंगे इसको। तो यह जो पेपर है, जो रिसीप वगैरह बोलते हैं दोस्तों, इसमें प्राइस देख सकते हो दोस्तों आप लोग, प्राइस कितना है इसमें दोस्तों, 860 रुपीज़ है इसका प्राइस दोस्तों, 860 रुपीज़। लेकिन दोस्तों इससे भी 1200 तक इसको मिल जाता है दोस्तों, अलग अलग साइड पे अलग अलग रेट है। ये देखिए जो डिवाइस अच्छा कंडीशन में ही है, इसको ये देख सकते हो। तो अभी इसको खोलेंगे अभी। तो इसके अंदर और एक देखने को मिलेगा जो है, ये है बोया का B1 माइक, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। इसको जो ओरिजिनल का कहाँ पता चलेगा पता है इसको दोस्तों, डुप्लीकेट भी मिल जाता है। इधर जो ये दिखाई दे रहा है स्कैनिंग, इधर आप अगर स्कैन करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इसको साइड में रख देते हैं, अभी इसको भी खोल लेते हैं। तो इसके अंदर क्या मिलता है, ये है देख सकते हो दोस्तों। और इसके अंदर कुछ पेपर वगैरह जो इंस्ट्रक्शन देकर रखा हुआ है कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं या क्या क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन पूरा इसमें देकर रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से लगाना है, क्या क्या करना है। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। और क्या मिलता है, और एक कार्ड मिलता है, और एक चीज़ मिलता है दोस्तों, ये देख सकते हो। इसके अंदर दोस्तों कई सारी चीज़ें जो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये देख सकते हो दोस्तों स्पॉन्ज, जो दोस्तों इधर लगेगा दोस्तों, जो केबल में लगेगा, ये है स्पॉन्ज, देख सकते हो बहुत मुलायम है इसमें। और ये है क्लिप, देख सकते हो ये मेटल का है ये क्लिप, तो इसको लगाने में जो आसानी होता है ये क्लिप। उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट है, आप अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी इसके अंदर क्या देखते हैं, ये फाइनली जो बोया का M1 माइक है, ये है वो माइक दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, शायद देख सकते हो। इसमें दोस्तों कैमरा के लिए भी दिया है और मोबाइल फ़ोन के लिए भी अलग अलग स्विच है, एक स्विच है इधर देख सकते हो। इसको अगर आप नीचे करेंगे तो स्मार्टफोन के लिए ये काम आएगा, और अगर ऊपर करेंगे तो ये
कैमरा में लगा सकते हैं, लेकिन हमारा स्मार्टफोन है तो हम नीचे ही इसको रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये केबल देख सकते हो, ये केबल बहुत लंबा होगा शायद, तो ये पॉइंट है। ये पॉइंट जो है दोस्तों इसमें अब ये कहीं भी लगा सकते हो दोस्तों, ये मोबाइल फ़ोन या DSLR वगैरह में इसी से काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई अलग है तो ये भी लगा सकते हो, इसमें असेंबल करके इस तरह से देख सकते हो तो ये काम आएगा। इसको खोल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है एक बैटरी, देख सकते हो ये बैटरी है, तो हम इसको असेंबल करेंगे अभी। ये अभी खोल लेते हैं इसको। उसके बाद एक इस टाइप का मिलेगा, इसको इसी तरह से लगाना है, इसको देख लेना है दोस्तों। इसमें प्लस का जो सीन है, सिंबल है, आप लोग देख सकते हो प्लस का, तो इसमें भी एक प्लस का सिंबल दिखाई देगा आप लोगों को, तो उसको देख के इसको लगाना है इसमें इस तरह से। तो मैंने इसको लगा दिया है बैटरी को, अच्छी तरह से लगाना है नहीं तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। तो उसके बाद इसमें आपको लगाना है ये जो स्पॉन्ज दिखाई दे रहा है, तो इसमें अंदर कोई भी धूल मिट्टी ना जाए इसीलिए, और इसका जो आवाज़ है वो फिल्टर हो गया इसीलिए इसको देखे रखा हुआ है, तो इसको अभी लगा देते हैं हम लोग इधर। तो फाइनली इसको लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों इसको भी लगा देते हैं इसमें। हो गया है, तो इसका अभी साउंड क्वालिटी देखेंगे कि इसका साउंड क्वालिटी किस टाइप का है। तो अभी वो सुन ही रहे हो तो इसी से हम कम चला रहे हैं, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी अभी सुनेंगे। इसको थोड़ा खोल लेते हैं तभी। तो फ्रेंड्स शायद इसका साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हो अभी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बिल का आइकन है उसमें भी प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कराता हूं, मैं आप लोगों को डिफेंस की वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, तो उसी टाइप की वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे, इसीलिए जो साइड में बिल का आइकन है उसमें प्रेस कीजिए, और इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर लाइफ में आपको भी इसी तरह से माइक अगर बाय करना है दोस्तों, इसका वॉइस आप सुन सकते हो, अगर आप लोगों को लाइफ में ऐसा लगे कि हमें भी यूट्यूबर बनना चाहिए दोस्तों, तब ये अगर आप माइक खरीदना चाहते हो तो ये देख सकते हो, ये बोया BY-M1 माइक है। इसको मैंने किसी ने स्पॉन्सर वगैरह नहीं किया है मुझे, इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है। कि दोस्तों मेरा जो यूट्यूब का जो वीडियो है इसमें दो ही चीज़ का डिपेंड करता है, एक है साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, या वॉइस क्वालिटी जो है वो प्रॉपर में आप लोगों को सुनाई देना चाहिए। दूसरा बात ये है दोस्तों, जो मैं वीडियो बनाता हूँ जो टॉपिक है उसमें सच्चाई होना चाहिए, जो भी न्यूज़ देता हूँ वो सच्चा या पूरा सही न्यूज़ होना चाहिए, बस वही है हमारा। पिक्चर क्वालिटी में कोई भी ऐसा मैटर नहीं करता है, बस साउंड क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और टॉपिक अच्छा होना चाहिए और वीडियो अच्छा होना चाहिए, बस वही सही है दोस्तों। अगर आप लोगों को भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इस माइक को ख़रीद लेना। इसका प्राइस दोस्तों है 860 रुपीज़ है इसका प्राइस, मैंने बाय किया है 860 रुपीज़ में। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हो तो मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, तो इसको बाय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों लाइफ में अगर यूट्यूबर बनने का ख्याल आए ना दोस्तों, डिफेंस का वीडियो कभी मत बनाना दोस्तों, मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूँ, पर्सनली बोलता हूँ दोस्तों, डिफेंस का वीडियो बना के यूट्यूबर मत बनना, क्योंकि दोस्तों बहुत कम अर्निंग होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ दोस्तों, 20,000-25,000 व्यूज़ में, यानी कि दोस्तों 25,000 व्यूज़ में दोस्तों $1 मिलता है, $1 का वैल्यू है दोस्तों 72 रुपीज़, ठीक है। तो दोस्तों 20,000-25,000 व्यूज़ पे $1 मिलता है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोगों को यूट्यूबर बनने का ख्याल आए ना मन में तो कुछ और बनना दोस्तों, टेक्निकल टाइप वीडियो बनाना, कॉमेडी टाइप बनाना, उसी टाइप बनाना, लेकिन डिफेंस का मत बनाना दोस्तों। अगर मेरा पास ऐसा नॉलेज होता कि टेक्निकली या कोई कॉमेडी वीडियो बना सकता तो मैं वो ही बनाता, लेकिन दोस्तों जिसमें मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है इसीलिए मैंने इसको बनाया है दोस्तों। इसको अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर लेना, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी लिंक से जाके अगर आप बाय करते हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों को बेनिफिट्स भी मिल सकता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।